Hello students, now we are going to discuss multiplicative inverse of complex numbers. So if this complex number is given 4 minus 3 iota, then we can write it like z is equal to 4 minus 3 iota. Okay, this is the complex representation of a number. Now अब आपको जब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको पता है किसी भी नंबर का, जैसे थ्री नंबर है, थ्री का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/3 होता है, फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/5 होता है, वैसे ही जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z हो जाएगा. सो आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज 1/z. सो जब आप 1/z करेंगे तो यहां पर 1/4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा. अब देखिए, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो आयोटा है ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है. जैसे आपको ध्यान होगा कि जब आप रूट को सॉल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप 1/√3 को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करते थे तो आप √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देते थे ताकि ये √3 ऊपर आ जाए और डिनोमिनेटर में रूट ना हो. ये एक मैंने तरीका बताया आपको कि ये, जैसे आप पहले इस तरीके के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, तो उसी तरह से आपको यहां पर भी आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है. उसके लिए आपको यहां पर रैशनलाइज करना पड़ेगा. रैशनलाइज करने के लिए आप यहां पर क्या करेंगे, 1/z इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3i इंटू 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा. ओके, सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट, इट विल बी 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन, सी हियर, 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा. वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये यहां पर 1/z अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर. इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव लर्न्ड दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सो 1/z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर विल बी -1. सो इट विल बी 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16 प्लस 9. एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बी 1/z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25. When you will distribute that 25 denominator to the real part and imaginary part, then 4/25 plus 3/25 iota. And this is the multiplicative inverse of the given 4 minus 3i complex number. And it is also in the form of
ए प्लस आई बी, सो दिस इज द रेसिप्रोकल. वन मोर क्वेश्चन वी आर डूइंग. जेड इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस थ्री आयोटा. इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इफ वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देन वन अपॉन जेड इज इक्वल टू वन अपॉन रूट फाइव प्लस थ्री आयोटा. अगेन विल डू द रेसिप्रोकल बाय रैशनलाइजेशन. सो इट विल बी रूट फाइव माइनस थ्री आयोटा अपॉन रूट फाइव माइनस थ्री आयोटा. देन इट विल बी रूट फाइव माइनस थ्री आयोटा अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो इट विल बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड हियर वी विल राइट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. सो हियर इट वुड बी रूट फाइव माइनस थ्री आयोटा अपॉन रूट फाइव स्क्वेयर विल बी फाइव माइनस थ्री स्क्वेयर नाइन आयोटा स्क्वेयर. रूट फाइव माइनस थ्री आयोटा अपॉन फाइव माइनस नाइन इंटू माइनस वन. एंड वॉट इज द रीजन? द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वेयर इज माइनस वन. सो वन अपॉन जेड इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस थ्री आयोटा अपॉन फाइव प्लस नाइन. इट इज रूट फाइव माइनस थ्री आयोटा अपॉन फोर्टीन. सो वन अपॉन जेड इज इक्वल टू रूट फाइव अपॉन फोर्टीन माइनस थ्री अपॉन फोर्टीन आयोटा एंड दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ इट. सो द रेसिप्रोकल ऑफ इट वुड बी वन बाय जेड इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस आयोटा. सो वन अपॉन जेड इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस आयोटा एंड देन वी वुड मल्टीप्लाई इट बाय पॉजिटिव आयोटा एंड डिवाइड बाय पॉजिटिव आयोटा. वी आर डूइंग द रैशनलाइजेशन ऑफ दिस. सो इट वुड बी आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वेयर. सो आयोटा अपॉन माइनस एंड आई स्क्वेयर इज माइनस वन. सो इट इज आयोटा अपॉन पॉजिटिव वन. सो आयोटा इट मीन्स दैट द रेसिप्रोकल और द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा वुड बी प्लस आयोटा. Now the next question is express in the form of a plus iota b. Means this question is given and we have to express this or simplify it in the form of a plus iota b. Means complex number ke form mein hume ise represent karna hai. So at the first step dekhiye ye a plus b into a minus b ke form mein hai. सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. सो यहाँ हो जाएगा थ्री स्क्वेयर माइनस आयोटा रूट फाइव स्क्वेयर अपॉन, जब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे सो रूट थ्री प्लस रूट टू आयोटा माइनस रूट थ्री प्लस रूट टू आयोटा.
Now that root 3 plus minus cancel out. So 3 square would be 9 minus root 5 square will be 5 and then I square. Okay. Upon root 2i plus root 2i. It would be 2 root 2 I. अब आप देखिए I square will be minus 1. So 9 minus 5 minus 1 upon 2 root 2 iota. Iota square is equal to minus 1. So nine plus five upon 2 root 2 iota. 9 plus 5 14. 14 upon 2 root 2 iota. When you will simplify it, it will be 7 upon root 2 iota. That 2 7 ja 14. But see, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी. ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहां आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है. सो 7 upon root 2 iota इंटू आयोटा अपॉन आयोटा. हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आयोटा से डिवाइड कर देते हैं. क्यों? ताकि डिनोमिनेटर में हमें आयोटा स्क्वेयर मिल सके. सो 7 iota upon root 2 iota square. So 7 iota upon root 2 iota square will be minus 1. So 7 iota upon minus root 2. So ये minus sign हम यहां numerator के साथ लगा देते हैं. So minus 7 upon root 2 iota. Now you can see that हम इसे अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट है ही नहीं तो हमें यहां पे जीरो लिखना पड़ेगा. सो 0 minus 7 upon root 2 iota a प्लस माइनस आई बी के फॉर्म में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में. ओके okay?